एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट के बारे में जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल है। हमारे इंडियन किचन में जितने भी हर्ब्स और स्पाइसेस हैं उनकी अपनी एक वैल्यू है और उनके कुछ उपाय से आप अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो सिनेमन हो यानी कि दालचीनी हो, लाल मिर्ची हो, नमक हो, या फिर हल्दी हो, चावल हो, आटा हो। इन सब के उपाय आपने सुने ही होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट के बारे में जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, बहुत सारे विशेष को फुलफिल कर सकते हैं। और ये इंग्रेडिएंट हमारे किचन में अवेलेबल होता है, चाहे आप बाहर रह रहे हो, चाहे आप इंडिया में रह रहे हो, चाहे छोटे से किचन हो, चाहे बहुत बड़े किचन हो, आपके किचन में ये वाला इंग्रेडिएंट जरूर आपको मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। बट उससे पहले ये जान लीजिए मैं कौन। मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको। मेरा आशा करती हूँ आप लोगों में सब सही होंगे, मजे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं अपने कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती, काफी बार मैं लोगों को बता चुकी हूँ, उसके बाद आप लोग ट्रैप में आ जाते हैं। तो इसमें प्लीज मेरे ऑफिशियल नंबर पर आके क्लेम मत कीजिए, मैं रिफंड नहीं दूंगी। दूसरी चीज, मेरा नंबर आपको वास्तु मिरेकल्स, जहां पर मेरा वेबसाइट है, वहां पर कॉन्टैक्ट अस में मिल जाएगा। मेरा एक और चैनल है जो वास्तु मिरेकल्स मंत्रा के नाम से है, जहाँ पे सिर्फ सुन के आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मैजिकल मंत्रास वहां मैं लेकर आती रहती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ सूखा धनिया। जी हाँ, आपने हरा धनिया देखा होगा, एक सूखा धनिया आता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको हम पीस के इस्तेमाल करते हैं। और कई लोग सूखे धनिया को नॉर्मली भी इस्तेमाल करते हैं सब्जियों में। आप जानते हैं ये सूखा धनिया आपकी लाइफ में बड़े बड़े मैजिक लेकर आ सकते हैं। किसी ने आपके पैसे उधार ले लिए हैं, आपके पैसे की कमी हो गई है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, बनती नहीं है, ऐसी बहुत सारी है, घर में गला कला कलेश वगैरह सब कुछ रहता है। तो आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहला उपाय मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको धन रिलेटेड प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपने ट्यूजडे के दिन आपने छोटा सा एक मटकी ले लेनी है या मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें पानी भरना है, थोड़े से सूखा धनिया के दाने आपको डालने हैं, साथ में आपने एक रुपए का सिक्का डालना है और इसको आपने अपने घर के नॉर्थ में रख देना है। जब आप देखेंगे उसमें आपने मिट्टी भी डालनी है, जब उसमें से धनिया निकलना शुरू हो जाएगा तब आपने क्या करना है, वो एक रुपए का सिक्का जो है वो अपने तिजोरी में रख लेना है। और उसके बाद जो धनिया होगा वो आप बाहर गार्डन में भी लगा सकते हैं या उस मटकी को उठा के अपने गार्डन में लगाएंगे। बट उससे पहले आपको उसे नॉर्थ में रखना है जब तक कि उसके अंदर से धनिया नहीं निकल जाता, ठीक है। तो यानी कि आपको एक छोटा सा धनिया का प्लांट लगाना है, सूखा धनिया डाल के मिट्टी और उसमें पानी डालना है और एक रुपए का सिक्का, उसमें से आपको एक रुपए सिक्का निकालना है, जब धनिया निकल जाएगा और उसको उठा के अपनी तिजोरी में रखना है। पैसों के इससे रिलेटेड कभी कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा उपाय, काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा है, लोगों ने उधार लिया हुआ है, वापस नहीं कर रहे। तो एक कागज लीजिए, उसमें उसका नाम लिखिए जिसने आपसे पैसे लिए हैं और वो आपको वापस नहीं कर रहा। लाल पेन से उसका नाम लिखिए, उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया डालिए, चाहे पाउडर वाला डाल दीजिए या नॉर्मल डाल दीजिए। अब उसको बंद कर आपने इसको उठाकर किसी भी पानी में प्रवाह कर देना है। नहीं कर सकते प्रवाह, कोई जब बहता हुआ पानी नहीं आपको दिखाई दे रहा तो आप बाहर कहीं मिट्टी में जाके दबा दीजिए। ये उपाय किसी भी दिन करना है, एक बार करके बस वापस लौट आइए। जिसने भी पैसे लिए हैं वो जल्दी मजबूर हो जाएगा आपके पैसे वापस लौटाने के लिए। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलह है, कलेश है, परेशानी है, लड़ाई झगड़ा है, तो आपने क्या करना है, एक कागज लेना है और जिनके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर स्पेसिफिक आपको नाम पता है तो उनके नाम आपने लिखा, उसको फोल्ड किया और आपने एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन ले लिया, उसमें सूखा धनिया डाला, आप दाने भी ले सकते हो, पाउडर भी ले सकते हो, उसके बाद आपने वो चिट उसके अंदर डाली। बट आप अब उसको आपको ढक देना है किसी भी चीज से, किसी भी कपड़े से आप ढक सकते हैं, किसी भी कलर के कपड़े से ढक सकते हैं, और इसको आपने ईस्ट में रख देना है, अपने घर के पूर्व दिशा में रख दीजिए। जिनके बीच में भी लड़ाई झगड़ा कला कलेश परेशानियां हो रही होंगी वो सब खत्म हो जाएंगी। चलते हैं चौथे उपाय की तरफ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम घर में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है। ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मैं ज्यादातर घरों में देखती हूँ, बहुत होती है। तो आपने क्या करना है, एक मिट्टी का बर्तन लेना है, मिट्टी के बर्तन में आपने डाल देना है सूखा धनिया, और उसके बाद जो भी बीमार है उसके वहां पर आप उसके पलंग के नीचे रख दीजिए,
या आप खुद बीमार हैं और आपको पता है, आप सुन रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप अपने पलंग के नीचे रख दीजिए। सूखा धनिया जो होगा वो आपने थोड़ा सा ले लेना है, 100 ग्राम 50 ग्राम आपकी मर्जी है, दाने वाला लेंगे ठीक है, वैसे वाला दाने दाने वाले जो होते हैं वो आपको लेना है और उसको रख देना है। 15 दिन बाद आपको उसको चेंज करना है। 15-15 दिन में जो पहला वाला धनिया होगा वो आप बाहर प्लांट्स में डाल देंगे, मिट्टी में डाल देंगे, और दूसरा धनिया फिर 15 दिन बाद करेंगे। धीरे 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 देखेंगे आपकी सेहत में सुधार आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी उपाय की तरफ। अब आखिरी उपाय है, अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल हो रहा है, ऑब्स्टिकल्स आ रही है, बार बार काम बनते बनते बिगड़ जाता है, और आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, सूखा धनिया लेना है। सूखा धनिया, यहाँ दानों की बात हो रही है, जो सूखा धनिया मार्केट में इजिली मिल जाता है आपको, सूखा धनिया के नाम से लीजिएगा, उसको आपको एक लाल कपड़े में बांधना है। किसी भी भगवान के मंदिर में जाएंगे, वहां पर आपको हनुमान मंदिर में ये चढ़ाना है और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करके वापस आ जाना है। ये उपाय आपने ट्यूसडे को या सैटरडे, दोनों में से एक दिन कीजिएगा, और आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे, जितने भी परेशानी हो रही होंगी, वो सब खत्म हो जाएंगी। विश्वास मानिए, करके देखिए, तभी तो रिजल्ट्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।